जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। रजत जो कि कैमरे के पीछे हैं और मैं निखिल इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमने बहुत सारी नारेबाजी देखी, बहुत सारे झंडे देखे, बहुत सारे बैनर्स देखे। हम यहाँ खाना भी देख रहे हैं बढ़ता हुआ, जो कि हर किसी को दिया जा रहा है बिना उसका नाम पूछे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। अच्छा, ये खाना आप क्यों बंटवा रहे हैं सर? ये जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, कौम के लिए आए हुए हैं, हम इनके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुबह से हैं लोग, कुछ लोग ऐसे सुबह से हैं भूखे प्यासे लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो है खाने का थोड़ा सा इंतजाम किया गया है। अच्छा। जी, तो इसका खर्च सर आप खुद उठा रहे हैं? हाँ, लगा शुक्र हम खुद उठा रहे हैं खर्च इसका। अच्छा, और काम क्या करते हैं सर आप? काम जाकिर नगर में शॉप है हमारी। अच्छा, और कौन सी दुकान चलाते हैं आप? हमारी किराने की दुकान है। अच्छा, तो किराने की दुकान से थोड़ी जगह आप रजत जी को भी दे देंगे ना, तो वो दिखाते रहेंगे कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आइडिया सर आपके दिमाग में कब आया कि मैं ये करूं? बस लोगों के जज्बे को देखते हुए। अच्छा। हाँ, ये आइडिया हमें आया कि भाई जो है लोग कौम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्या हम एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते क्या? अच्छा जी, तो इसमें फिर जो साथ में लोग आपके साथ काम करा रहे हैं, भाई हैं। अच्छा जी, सब मेरे स्थानीय निवासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं और सब मेरे भाई हैं अपने। सर, ये जो नया नागरिकता संशोधन कानून अभी बन गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सरासर जो है मुस्लिमों के खिलाफ है और हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी जो है बिल्कुल आराम से ये मांगे कि इस कानून को वापस लिया जाए और हम कुछ नहीं चाहते। अच्छा, और मतलब इस कानून को लेकर आपका क्या एतराज़ है सर? हमारा ये एतराज़ है, इसमें जो है मुसलमानों को क्यों नहीं रखा है? भाई जब आपने जो है सारी कौम रख ली है हिंदुस्तान की, तो क्या एक मुसलमान को नहीं रख सकते इसमें आप? जो बाहर से कोई मुसलमान अगर नागरिकता चाहता है तो क्या उसे नागरिकता नहीं मिल सकती? क्या हिंदुस्तान का दिल इतना छोटा हो गया कि एक मुसलमान के लिए जगह नहीं रही? और मुसलमान तो सेकुलर मुल्क है, ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, और इसमें आप जो है इस तरह की जो है कौमों को बांटने वाली बातें कर रहे हैं, गलत है। मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द सोचना चाहिए। सर, 15 तारीख को जब यूनिवर्सिटी में क्रैकडाउन होता है, उस शाम को जो पास के इलाके हैं, बटला हाउस हुआ, गफर मंजिल हुआ, उस तरफ से कुछ पथराव की बातें भी थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पुलिस के गलत इल्ज़ाम तराशी हैं, समझे? इसको जो है हम डिनाई करते हैं। अच्छा। और आप ये कितने दिनों तक ये प्रोटेस्ट चलते देखेंगे? आप हमारी बात नहीं मानते हैं। आप इस तरह से खाना खिलाते रहेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप बड़े व्यस्त हैं, आपने अपने काम के बीच में से वक्त निकाल के हमसे बात की है। प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जिस जिस तरह से वो अपनी सरकार को बात बताना चाहते हैं, उतने क्रिएटिव तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्रिएटिव तरीका ये भी है कि जो लोग नारे लगा रहे हैं, जब उन्हें भूख लगती तो उन्हें खाना खिलाया जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया से रजत के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए लल्लनटॉप.com।